चंद्रपुर जिले के भद्रावती के पास स्थित विजासन में घर के मालिक ने अपने वफादार मृत श्वान की अंतिम शव यात्रा निकालकर इस वफादार के प्रति अपना प्रेम दर्शाया। प्रेम ही सब है, प्रेम ही जीवन है, ये दुनिया के सभी ग्रंथों में लिखा है। और जिसकी हम आराधना पूजा करते हैं वह भी सिर्फ प्रेम का ही भूखा है, वो है ऊपर वाला। हम चाहे जो भी नाम दे उसे, एक ही है जो साईं ने कहा कि सबका मालिक एक है। हम सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में अब हम चलते हैं उस खबर की ओर जिसका उल्लेख अनेक जगहों पर अलग अलग प्रकार से किया गया है। वह है चंद्रपुर जिले के भद्रावती के पास विजासन है, जहां पर एक वफादार श्वान की मौत होने पर जिस घर में वो रहता था उसके मालिक ने अपना पूरा प्यार उसके प्रति दर्शाया और साबित किया कि प्यार प्यार होता है। हम माफी चाहते हैं कि मैंने श्वान को प्रचलित शब्द से उल्लेख नहीं किया, हर जगह कुत्ता शब्द उल्लेख करना अच्छा नहीं लगा। इस वफादार जानवर उसके मालिक के बीच पिछले 9 वर्षों से प्रेम का संबंध जो बना था उस पर माफोल होगा, क्योंकि सी टीवी न्यूज को ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम इस खबर को व्यंगात्मक तरीके से लिखकर कहीं न कहीं ये दर्शाना चाह रहे हैं कि एक कुत्ते की अंतिम शव यात्रा निकाली गई, जो उचित नहीं है। क्योंकि ये वफादार श्वान को जिस मालिक ने खोया, जिस परिवार ने खोया, उन्हें ही नहीं महसूस हो रहा है उसके दूर होने का गम, जो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें दर्द में छोड़कर चला गया। अक्सर लोग जानवर के मरने के बाद गांव से बाहर ले जाकर फेंक देते हैं, उसे जमीन में गाड़ देते हैं या पानी में बहा देते हैं, मगर कोई इंसान किसी जानवर की अंतिम शव यात्रा इस प्रकार से कर समाज को एक सीख दे रहा है। जिस श्वान ने 9 वर्षों तक मालिक ज्ञानेश्वर कुल में थे की वफादारी निभाई एक परिवार के सदस्य की तरह, और आज इंसान थोड़ा समझ आई तो परिवार को छोड़कर अलग रहने लगता है। वही परिवार जो कल तक प्यारा था आज दुश्मन हो जाता है, मगर इस वफादार श्वान ने 9 वर्षों तक सेवा की और इसकी अंतिम शव यात्रा में 100 से 150 लोग शामिल हुए, उनका भी हम कौतुक करते हैं। यह है अजब प्रेम की गजब कहानी, एक इंसान और एक जानवर के बीच अटूट प्रेम संबंध। सी टीवी न्यूज की विशेष प्रस्तुति।